ना ध्यान से सुनना जरा। देखो आपने क्वेश्चन लिख लिया है क्या सभी ने? क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है बेटा अपना, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या चीजें बोली है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों भी बैलेंस दिए है। क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंस दिया है। कैश बुक बैलेंस कितना है जरा बताओ तो? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। उसके बाद क्या दिया बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, ये मैं सब अभी कुछ लिखता नहीं हूं। आपने लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना अमाउंट है उसका? 1,36,000। तीसरा पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट कितना है? 90,000। उसके बाद 300 बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,250। उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? ओके 286,950 पासबुक का बैलेंस है। आपको बीआरएस प्रिपेयर करने बोला है, कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस दोनों भी दे दिया है, बट ये बोला नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब आप क्या करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट किसको लोगे? कोई भी, जब दोनों भी बैलेंस दिए हैं और बोला नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, तो एनी बैलेंस यू कैन टेक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस क्वेश्चन। सिंपल है ना? पक्की बात बोलो, किसको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है? कैश बुक लिखो फिर, बैलेंस एज पर कैश बुक ये लिख दिया मैंने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चल यहां पे लिख लेता हूं एड और यहां पे लिख लेता हूं लेस, ठीक है, और यहां पे लिख लेता हूं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलो बेटा पढ़ो तो। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या दिया है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ना सब लोग साथ में है क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो बेटा सब लोग ध्यान से सुनना अभी। कोई मुझे ऐसा बच्चा जो सिर्फ कोई एक बच्चा बस मुझे पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक बता पाएगा इसके अंदर में? श्री बता बेटा पहले वाले पॉइंट में। हाँ बता। नहीं ऐसे नहीं, ये तीनों स्टेप परफॉर्म करके बताओ इक्वल लेवल पे। वेरी गुड बेटा। हाँ देन रीड द इंफॉर्मेशन, सेकेंड वाला, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो, एनालाइज करो एंड न्यू पोजीशन पे आ जाओ। इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था? चेक इशूड यानी कैश बुक कम हो गया, बट वो जो चेक इशू किया वो चेक अभी तक सामने वाले पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो बोलो पासबुक कम होगा क्या? नो, पासबुक यही खड़ा रहेगा ना। आ गया न्यू पोजीशन, दो स्टेप खत्म हो गई। अब भूल जाना पहली दोनों स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो, ऐड करो। ऐड कर दूं क्या? यहां पे लिख रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट था ना हमारा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना था बेटा अमाउंट? 1,36,000। अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, चेक डिपॉजिटेड। ओके सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, सबके पास लिखा हुआ है ना, चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चलो बेटा लास्ट बेंच, आप बताओ तो जरा मुझे, कॉर्नर में जो बच्ची बैठी है। हाँ तीनों स्टेप क्या करना है बताओ, बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ बराबर, दोनों इक्वल। हाँ फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो एनालाइज करो और न्यू पोजीशन पे आ जाओ कैश बुक पासबुक के। तो बोलो बेटा न्यू पोजीशन पे कैसे आएंगे बताओ? क्या लिखा है वहां पे? चेक, चेक डिपॉजिटेड लिखा है ना, चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या होगा यहाँ पे? कैश बुक बढ़ेगा, चेक इशू किया रहता तो कैश बुक कम होता है, चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक बढ़ेगा। ठीक है बढ़ा दिया मैंने, आगे क्या लिखा है? बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसीलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आगे की न्यू पोजीशन बोल बेटा, थर्ड स्टेप क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
कैशबुक पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे, फिक्स करो लेस करो, तो थर्ड वाला पॉइंट लेस हो जाए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट कितना है बेटा? ओके ठीक है, लिख दिया मैंने। हाँ उसके बाद बैंक चार्जेस, कौन बच्चा ट्राई करेगा बैंक चार्जेस के लिए? यश हाँ बोल। फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक आ रहे हैं इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो, एनालाइज करो और देखो न्यू पोजीशन क्या आएगी। इंफॉर्मेशन लिखा है बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो बताओ होता क्या है? बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो कहाँ लगाए होंगे, पासबुक में या कैशबुक में? पासबुक में। चार्जेस लगाते हैं तो पासबुक यानी एटीएम बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? प्लीज सब लोग ध्यान दो, मैं इधर बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऊपर नीचे आजू बाजू क्या देख रहे भगवान जाने। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बैलेंस कम हो जाएगा, यस और नो? और पासबुक बैलेंस कम हो गया तो क्या कैशबुक भी कम होगा क्या? नो, क्योंकि जब कभी भी कोई डायरेक्ट एंट्री होती है पासबुक में उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, इसीलिए कैशबुक यही खड़ा है। रूल नंबर वन, यस और नो? आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म, अब रुक जाओ, दो स्टेप खत्म हो गया, अब रुक जाना है। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैशबुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स लेस, दैट्स इट। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। हाँ बोलो, लेस करना है क्या? तो यहां पे क्या लिखो? बैंक चार्जेस चार्ज्ड, कितना बेटा बैंक चार्जेस? 300। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो बेटा, अगला वाला ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यस आप बताओ मैडम। हाँ बोलिए दीक्षा। हाँ बोलो, फर्स्ट स्टेप पहले बताओ क्या रहेगी? दोनों इक्वल। हाँ बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक वाले जब भी हमें कुछ देते हैं तो हमारा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ जाएगा। बोलो कैशबुक बढ़ेगा क्या? नो, क्यों नहीं? क्योंकि रूल नंबर वन क्या था? डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजिशन, अब भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैशबुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, वेरी गुड।